हेलो एवरीवन, दिस ए आर के रिप्रेजेंटिंग एन आर के 9. आई होप आप लोग अपना स्टडी बहुत प्रॉपर और बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे. डियर स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन बहुत बहुत माइंड में है, सबके माइंड में, सर हाउ टू स्कोर हाई इन सीएस एग्जाम्स. याद रखिएगा, ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शॉर्ट लेवल पे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बहुत कम वेस्ट हो. ऑलराइट, सो फटाफट स्टार्ट करता हूँ बिना बातचीत किए ज्यादा आगे. एक बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल दूँ बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्चुअली क्वेश्चंस आपके पास आ गए हैं, पीडीएफ आपके पास रेडी हो गए, इंपॉर्टेंट चैप्टर सीरीज मैंने बता दी है. अगर कोई नया स्टूडेंट अगर ये देख रहा है तो याद रखिएगा, जो नीचे नंबर शो हो रहे हैं आप लोगों की, ऑफकोर्स ये एनआरके 9 के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स, ऑफकोर्स इन नंबर्स पे, ऑफकोर्स व्हाट्सएप नंबर्स पे आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, सी एस एग्जीक्यूटिव, सी एस प्रोफेशनल, न्यू एंड ओल्ड सिलेबस, आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. आपको रिलेवेंट एग्जाम से रिलेटेड, आपके ऑफकोर्स आपके क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आपको डेफिनेटली पीडीएफ मिल जाएगा. ऑलराइट, अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट बात समझेगा कि बहुत जरूरी है. यहां मैं बात करने वाला हूँ एक्चुअली स्कोर करने की, और मैं कहना चाहता हूँ कि एग्जाम में जाने से पहले इन बातों को अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिएगा. वैसे ही जनरली हर एक इंस्टीट्यूशन, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन्होंने बताया होगा आपको, लेकिन अगर नहीं और सेल्फ स्टूडेंट है, आपको सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो. ऑलराइट, और जो लोग ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हैं वो भी इसको एंजॉय कर सकते हैं. सो नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइव एस्पेक्ट्स जो हर एक स्टूडेंट को अपने दिमाग में रखने चाहिए. पहली बात तो समझेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑलवेज स्ट्रक्चर योर आंसर प्रॉपरली. यहाँ एक रियलिटी को समझना बेटा, आई आर ए सी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. आई आर ए सी है क्या चीज, पहले ही समझते हैं फटाफट से, ठीक है. आई का मतलब है बेटा, हमेशा समझो एक बात, आपका आंसर फ्लो में होना चाहिए. अच्छा अब एक बात समझो इंपॉर्टेंट क्या है, जब मैं बोलता हूँ आंसर फ्लो में होना चाहिए ना, तो ये फ्लो में कब आता है, जब जब आपने कोई राइटिंग प्रैक्टिस की हो. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एनआरके 9 ने आप लोगों को लास्ट वन मंथ से कंटिन्यूअस आपको सीरीज दे रहा है. उम्मीद करता हूं आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने ऑफ कोर्स अच्छी प्रिपरेशन भी करी है, उनके मुझे आंसर शीट्स भी आई है, मैंने वैल्यूड भी की है, अच्छा लगा, बहुत सी प्रिपरेशन है और काफी अच्छा इंप्रूवमेंट भी है. लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स मान लीजिएगा या कोई नया स्टूडेंट जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, अभी भी मौका है, एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन पेपर इन राइटिंग प्रैक्टिस करके सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, गलती मत कीजिएगा. ऑलराइट, क्योंकि प्रिपरेशन अगर करके सर थोड़ा सा ही प्रिपरेशन है तब भी करके देखो सॉल्व. ऑलराइट, तब भी करके देखो सॉल्व, मतलब करीबन करीबन कुछ नहीं तो आप मान चलिए 10-15 मार्क्स बढ़ जाएंगे, ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ. ऑलराइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज आईआरएसी. एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आईआरएसी आना जरूरी है. आईआरएसी क्या है, देखिए समझिएगा, आई का मतलब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इशू. क्वेश्चन पेपर में याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें इशू आइडेंटिफाई कीजिएगा. लॉ के स्टूडेंट हैं आप, ऑफकोर्स लॉ के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली इस क्वेश्चन का इशू क्या है, एग्जैक्टली इशू क्या है. आई होप ये आपने पढ़ा होगा बेसिक बातें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द इशू. इशू क्वेश्चन आया मान, फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट ऑफ वीमेन डायरेक्टर. ऑलराइट, एक सिचुएशन आपको दे रखी है, तो इशू को चेक कीजिएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सिचुएशन क्या है, फैक्ट्स क्या कह रहे हैं. देन आर लगाइएगा, आर का मतलब रूल, रूल ऑफ लॉ, कानून क्या है उस पर्टिकुलर प्रोविजन से रिलेटेड. सी समझना, व्हाट आई एम सेइंग, पहले आपको फाइंड आउट क्या करना होगा, आपको फाइंड आउट करना होगा इशू क्या है, ठीक है. फिर क्या करेंगे आप रूल अप्लाई करेंगे. याद रखना, अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा होगा कि इतना करेंगे तो पेपर निकल जाएगा, तो याद रखिएगा लॉ का पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, ऐसे कह रहे पेपर की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं आप, कमिंग सेकेंडरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू नो यू मस्ट हैव एटीट्यूड कि आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा पहले, याद रखिएगा इशू. क्वेश्चन पेपर में इशू समझ में आया तो फटाक से याद रखिएगा, आपको प्रोविजन माइंड में रिकॉल करके देखिएगा क्या कर रहे हैं. रिकॉल का मतलब आपको खूब बार मैंने बताया कि याद करिए, रिवीजन करने से बेटर है पहले रिकॉल करना, अगर कोई क्लैरिटी नहीं देन रिवीजन कीजिएगा. सो रिकॉल करके देखिएगा आइडेंटिफिकेशन, जैसे आपने किया इशू को कि वुमेन डायरेक्टर, एग्जांपल मैंने जैसे लिया कि वुमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वुमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या प्रोविजंस प्रोवाइडेड है, रूल ऑफ लॉ को फाइंड आउट कीजिएगा. ऑलराइट, तो यहां जैसे आपको पता लगा, देन अंडरस्टैंड द करंट फैक्ट्स ऑफ द केस, जो भी सिचुएशन दे रखी है उसके फैक्ट्स को कंसीडर कीजिएगा. देन जो आपने रूल को मेंशन किया एग्जाम में ना, समझो पहले आपने इशू बनला, देन आपने अपने मेंशन किया रिलेवेंट पोजीशन रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर, देन क्वेश्चन में क्या डिमांड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको एप्लीकेबल करके देखिएगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर रूल ऑफ लॉ टू करंट सिचुएशन और करंट फैक्ट और नॉट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसको आपको लिखना है. एंड लास्ट में सी स्टैंड्स फॉर कंक्लूजन. अब याद रखिएगा, जब अपना आंसर प्रॉपरली स्ट्रक्चर करते हैं ना, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है आपकी परफॉर्मेंस से. ही बिलीव्स दैट यार स्टूडेंट पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है कॉन्सेप्ट को, मार्क्स यहां अच्छा मिलता है, मैं बता रहा हूं. ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते फटाफट से. देखिएगा, डिसाइड द क्वेश्चन व्हेन यू वांट टू डू फर्स्ट, ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को ध्यान से समझना. कभी भी इस चक्कर में मत पढ़ना एग्जाम में कि मैं पहले दूसरा तीसरा, ऑफकोर्स आई स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, देन 3, सिक्वेंस में जाने का जरूरत नहीं है.
अगर क्वेश्चन जिस क्वेश्चन जिस इवन पार्ट अगर आपको ए बी सी अगर किसी क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया गया पार्ट थ्री पार्ट्स में फोर पार्ट्स में तो जिस पार्ट से आपको बहुत अच्छे से आता है पहले उसे अटेम्प्ट कीजिएगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है समझना क्या होता है बेटा जब आपके आंसर्स को एग्जामिनर देखिए एग्जामिनर नंबर ऑफ कॉपीज चेक कर रहे होते हैं उनको और उनके सामने नंबर ऑफ कॉपीज की वजह से वैसे इरिटेशन होती है हर तरह का आंसर मिलता है उन्हें ठीक है। तो जैसे ही आपकी कॉपी उनके हाथ में आता है वो देखते हैं कि आपने क्वेश्चन फर्स्ट को बड़ा अच्छा एलाबोरेट किया है सेक्शन का कोट किए हैं केस लॉ की रेफरेंस दी है आंसर बड़ा फ्लो में। तो याद देखिएगा ये एक ट्रिक है कि आपके अच्छे आंसर की वजह से आपके जो 100-100 आंसर होते हैं ठीक ठाक आपने लिखे हुए हैं उसमें भी मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आप वहां से स्टार्ट करें क्वेश्चन पेपर को जहां से आपको वो अच्छे से आता है इंस्टेड ऑफ दैट कि मैं पहले से स्टार्ट करूंगा। आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते भी होंगे उम्मीद करता हूं। तो पहली बात याद रखिएगा क्वेश्चन को स्ट्रक्चर कीजिएगा अपने आंसर को स्ट्रक्चर कीजिएगा आइडेंटिफाई कीजिएगा क्वेश्चन के अंदर ये प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर बोल रहा हूँ कैसे हो जाएगी नंबर ऑफ क्वेश्चन की पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है आपने उस पर राइट करके देखना 100% होगा। ऑलराइट दूसरी इंपॉर्टेंट बात जैसे मैंने बताया आपको क्वेश्चन वहां से स्टार्ट कीजिएगा जिस जिस एरिया से आपको सबसे अच्छे आते हैं उसे वहां से फ्लो कीजिएगा एग्जामिनर इंप्रेस होगा आपकी परफॉर्मेंस से। ऑलराइट तीसरी बात समझते हैं बड़ा देखिए ये बड़ी मजे की बात है मैं आपको बता दूं मेरे पास नंबर ऑफ क्वेरीज आती है कि सर सेक्शन लिखना जरूरी है क्या और कई सारे इंस्टीट्यूट जो है वो कहते हैं कि नहीं भाई इट इज नॉट मैंडेटरी। लेकिन मैं आपको रियलिटी बता दूं देखिए बीइंग अ लॉ स्टूडेंट ऑलराइट मींस अगर आप कॉर्पोरेट लॉ में देखिए डील कर रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में आप करेंगे इट इज यू नो एडवाइजेबल कि आप कोड करके आए बट सही कोड करके आए एग्जाम में आपको सेक्शन आता है तो सही सेक्शन पुट करें नहीं आता है तो अवॉइड कर दें। लेकिन मैं आपको बताऊं इन रियलिटी देखो जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड सेक्शन से आने चाहिए क्योंकि एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि ये गवर्नमेंट सेक्रेटरी फ्यूचर गवर्नमेंट सेक्रेटरी है बोर्ड को डायरेक्शन देगा गाइड करेगा तो क्या इसे नॉलेज है नहीं है ऑफ कोर्स तो केस लॉ की रेफरेंसेस है ये आपके आंसर में वेटेज बढ़ाती है। ये कौन जो भी लोग कहते हैं ना कि अगर आपने अगर सेक्शन कोड किया या उससे करने से कोई बेनिफिट है नहीं वो मार्क्स आपको उतना ही मिलेंगे ये बेकार का बात है। आप अगर केस लॉ की रेफरेंस देते हैं आपका आंसर प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड होता है समझना एक रियलिटी समझना पॉइंट नंबर थर्ड की रियलिटी समझना। आप एक बात सोचिएगा क्या लॉ आप और हमने मिलकर बना दिया अचानक से नहीं ना क्या हम अपनी राइटिंग में कुछ भी लिख सकते हैं नहीं लॉ एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के साथ आता है उस स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर आपको याद रखिए अपने आंसर को ऑथेंटिकेट करना होता है। आप समझो आप कोई बेटा ये कोई डोमेस्टिक झगड़ा तो है नहीं कि मैंने ऐसा सोचा तो ऐसा ही होगा उसने सोचा तो वैसे ही होगा नहीं लॉ की लैंग्वेज में हमेशा एक इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आंसर ऑथेंटिकेट होना चाहिए। ऑथेंटिकेट का मतलब सेक्शन प्रोवाइड करता है जैसे हम सेइंग सो ये सेक्शन की इंटरप्रिटेशन आप बता रहे हैं उसको अपने आंसर को ऑथेंटिकेट करेंगे जितना ज्यादा ऑथेंटिकेट करेंगे याद रखिएगा केस लॉ की रेफरेंस से या सेक्शन की रेफरेंस से एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा क्योंकि एक रियलिटी है समझना अगर आपका सेक्शन इंटरप्रिटेशन सही है और एक फैक्ट सही है तो याद देखिए जज भी आपका आंसर गलत नहीं कर सकता दैट्स व्हाट आई एम सेइंग और बहुत सच बात है अगर आपका सामने जो इश्यू क्वेश्चन में दिया गया है और आपने इसको सेक्शन से ऑथेंटिकेट किया है तो जज भी गलत नहीं कर सकता दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एग्जामिनर इंप्रेस होता है। ऑलराइट सो अपने आंसर को ऑथेंटिकेट कीजिएगा पहली बात देखिएगा क्या कह रहा हूँ क्वेश्चन आता है सामने पहले इशू आइडेंटिफाई कीजिएगा क्या रूल एक्चुअली है उस रूल को लिखिएगा जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर तो सिचुएशन देखेगा इशू क्या है देन प्रोवाइड द व्हाट फर्स्ट राइट द व्हाट रूल ऑफ लॉ कानून क्या प्रोवाइड किया गया है देन फैक्ट्स को अप्लाई करके देखिएगा जो रूल है वो फैक्ट पे अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है देन उसके बाद क्या देखिएगा कंक्लूड कीजिएगा अपने आंसर को। सेकंड बात मैंने आपको कहा जहां से आता है वहां से स्टार्ट कीजिएगा थर्ड बात मैंने आपको बताया अपने आंसर्स को ऑथेंटिकेट कीजिएगा सेक्शन से रेफरेंसेस केस लॉ के रेफरेंसेस से अगर पॉसिबल है तो जरूर लिखने की कोशिश कीजिएगा आंसर्स में मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ऑलराइट नाउ फोर्थ पॉइंट नाउ अंडरस्टैंड द यूज ऑफ लैंग्वेज एंड अवॉइड स्टाइलिस्टिक लैंग्वेज ये बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं बच्चे देखिए समझिएगा होप सो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो बट इंग्लिश अच्छी और लॉ के एग्जाम में अटेम्प्ट करने में दोनों फर्क है यहाँ पर बेटा इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम नहीं है ये लॉ का लैंग्वेज का एग्जाम है यहाँ पे लॉ की लैंग्वेज में कमाल होनी चाहिए। याद देखिएगा अगर आप ऐसे स्टाइलिस्टिक वर्ड यूज करते हैं लैंग्वेज यूज करते हैं जो एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा याद रखना वो ईगो हर्ट अगर उनका हो गया तो आपके मार्क्स खत्म हो जाएंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग इन योर माइंड व्हाट जस्ट ट्राई टू अवॉइड स्टाइलिस्टिक लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज यूज ना कीजिएगा जो कि बहुत यू नो व्हाट बहुत स्टाइलिस्टिक है आप ऐसे अवॉइड कीजिएगा बिल्कुल जो जितना हो सकता है ऐसा लैंग्वेज यूज कीजिएगा जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो ऑलराइट और लीगल वोकैब्स ज्यादा यूज करने की कोशिश कीजिएगा। ऑलराइट ये प्रैक्टिस सभी होता है देखो मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ यू नो व्हाट ये मैंने आज बोल दिया फटाक से आपको हो गया सब कुछ ऐसा नहीं है इट टेक्स टाइम आई होप इस सिचुएशन में आप काफी चीजें सीखते होंगे समझ चुके होंगे फिर भी अगर आप चाहें तो कुछ क्वेश्चन पेपर पर प्रैक्टिस करके देखेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा। नाउ नेक्स्ट थिंग Now keep your answer precise. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार मैं आपको बता दूं मैं अपने करियर में जितने भी
आपको बता दूं लास्ट 8 ईयर के अंदर मैं अपने एक्सपीरियंस को बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कई बार स्टूडेंट सब कुछ ले लेता है, सब कुछ ले लेता है, क्योंकि वो बेचारा कई बार क्या होता है क्वेश्चन सामने आता है वो जज नहीं कर पाता है एग्जैक्टली, वो एनालिसिस नहीं कर पाता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, और वो सब कुछ लिखना स्टार्ट कर देता है। उस लिखने की वजह से बेटा याद रखना क्या होता है, एग्जामिनर रिटेल आता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पुटअप किया गया और आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको याद आता है कि हाँ इसमें यार रिलीवेंसी देख लेती है, रिलीवेंसी को समझ के आपने सब कुछ लिख दिया, बट जो चाहिए फैक्ट वो नहीं है। सो अपने आंसर को स्पेसिफिक कीजिएगा। अब मैं अभी ये कह रहा हूँ आप सब अभी आप जाके एकदम स्पेसिफिक कर देंगे ऐसा नहीं है, क्या होगा समझे, स्पेसिफिक करने के लिए प्रैक्टिस की लगती है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है यहाँ पर, नथिंग इज यू नो कैन अचीव थ्रू एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट ट्रिक्स, कुछ भी आप देखिएगा लॉ में शॉर्टकट ट्रिक्स आप नहीं अचीव कर सकते हैं। लॉ के स्टूडेंट्स की खासियत ये बात होते डिपेंड करती है, और लॉ स्कूल्स भी याद रखिएगा यही सिखाते हैं कि आपकी रीडिंग हैबिट हो, आप रीडिंग हैबिट मतलब आप ज्यादा पढ़ना की आपकी हैबिट हो, आप ज्यादा पढ़ सकें। ऑलराइट, सो यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोलूंगा आपको बेटा अपना आंसर प्रिसाइज कीजिएगा आप बोलेंगे हम प्रिसाइज कर देते हैं, नहीं, इट कम्स बाय प्रैक्टिस। जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, केस आंसर्स को रेफरेंसेस को रीड करेंगे, तो आपको और इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको और क्लैरिटी दूंगा इसके ऊपर दिसंबर टाइम्स के लिए, अभी जो बता रहा हूँ वो सिर्फ बस फटाफट से रेडी कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट बात बेटा, ये बहुत खतरनाक बात है समझना, एग्जामिनर आपकी कॉपी में क्या चेक करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं आपने लीगल इशू कॉट किया नहीं किया, ऑफ कोर्स मार्क्स कहां से आ रहा है समझना, आपको मार्क्स देने वाली अथॉरिटी कौन है, एग्जामिनर। ऑलराइट, एग्जामिनर देखेंगे क्या आपने लीगल कोई जो ये देखिएगा जो क्वेश्चन में लीगल इशू था वो क्या है, फिर आपने देखिएगा फिर क्या लीगल प्रिंसिपल आपने रखे हैं समझना, लेकर वो आइडेंटिफाई करेंगे लीगल इशू क्या है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के साथ वो अप्लाई करके देखेंगे क्या लीगल प्रिंसिपल क्या प्रोवाइड किए गए, एंड अल्टीमेटली वो कैसा करेंगे कि क्या वो एप्लीकेबल वो लॉ उसके फैक्ट पे अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आपने जो आंसर प्रोवाइड किया गया है, आपने जो आंसर प्रोवाइड किया है क्या वो अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है समझना क्या होता है, ध्यान समझना, ध्यान समझना इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है देखो, आज एग्जामिनर के सामने कॉपी आया, उनके पास आंसर कीज होती है समझना, आंसर कीज होती है, आंसर की उनको दिमाग में सेट हो जाता है नंबर ऑफ कॉपीज देख के, ठीक है, उनको बिग नंबर याद हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कॉपी देखा क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम किसी भी एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम को उन्होंने चेक किया, उन्होंने चेक किया कि आपके आंसर को चेक किया, आपके आंसर में क्या लीगल प्रोविजन प्रोवाइड किया हुआ है देखेंगे, ऑलराइट ठीक है, क्योंकि आंसर ऑथेंटिकेट कैसे होगा ऑफकोर्स, एंड चेक करेंगे क्या जो आपने आंसर ऑथेंटिकेट आपने जो लीगल प्रिंसिपल प्रोवाइड किया है क्या वो एप्लीकेबल हो रहा है उस फैक्ट पे जो आप उसको प्रोविजन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इन्हीं बेसिस पे आपके मार्क्स आपको अलॉट किए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स याद देखेगा, ये मैंने अभी बात आपको फटाफट समझाने की कोशिश करी है, आपको क्या करना चाहिए अभी मैं आपको बता दूं, आपके पास नंबर ऑफ पीडीएफ अवेलेबल है आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर कोई नए स्टूडेंट है आपको नहीं मिले पीडीएफ ऑफकोर्स इन्हीं नंबर पर हमको फटाफट से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, एंड आपके 9 सारे सब्जेक्ट्स की प्रोवाइड कर रहा है पीडीएफ आपको मिल जाएगा फटाफट से, नए स्टूडेंट को फटाफट सब्सक्राइब करो बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि मैं लगातार यहाँ बहुत कुछ देने वाला हूँ आपके करियर से रिलेटेड, और एग्जाम भी जो आ रहे हैं और आने वाले एग्जाम से अमेंडमेंट सब मिलेगा यहाँ पे। ऑलराइट, एंड एंड ऑफ डे इट्स ऑल अप टू यू, अपने आप पे भरोसा रखिएगा, अपने आप पर भरोसा रखिएगा, अपने आप पर भरोसा रखिएगा, याद रखिएगा डर सबको लगेगा, ऑफ कोर्स फियर है नॉर्मल है ये ऑर्डिनरी कॉमन बात है यार सबको लगता है, बट इसे मैनेज करना है, सो डर के नहीं हिम्मत से जाइएगा, प्रिपरेशन अच्छा है भरोसा रखिए अपने आप पर अच्छा होगा, मेरी विशेष आपके साथ है। याद रखिएगा जो सीरीज आप ही की है आप कर सकते हैं, इन चीजों को थोड़ा फॉलो कीजिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, एंड विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।